बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ बहुत ही इंस्टेंट बनने वाली चिकन कढ़ाई, जिसमें आपको कोई सब्ज़ी नहीं डालनी और सिंपल से मसालों के साथ ये बन जाती है। यहाँ पर जो मैंने मसाले लिए हैं वो नमक है, रेड चिली है, क्रश चिली है, उसके बाद ज़ीरा है, खुश धनिया पाउडर, हल्दी, और उसके साथ में मैंने थोड़ा सा फूड कलर और एक चम्मच मैंने डाला है चिकन पाउडर का। आप ये तमाम मसाले अपने टेस्ट के मुताबिक लें। 1 kg चिकन है और 1/2 kg मेरे पास है दही। तो सबसे पहले ये तमाम मसाले हम इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे दही और इसे आप मैरिनेट करके तकरीबन 30 to 40 minutes के लिए फ्रिज में रख दें और उसके बाद आप इसे कुक करें। ये बहुत ही डिलीशियस ही चिकन तैयार होता है। तो यहाँ पर ये मैरिनेट हो चुका है तकरीबन 30 minutes के लिए। तो दूसरी तरफ आप बर्तन में डालें कुकिंग ऑयल 1 cup, इसको अच्छे से गर्म होने दें और फिर इसमें ऐड करें चिकन। आपने सिर्फ 2 से 3 मरतबा 10-10 मिनट के वक्फे से इसमें चम्मच हिलाना है और ये चिकन बन के हो जाएगा रेडी। आप इसे नान के साथ भी खा सकते हैं, कबाब के साथ भी, और इसको सिंपल राइस के साथ भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको अभी कवर कर दूँगी और थोड़ी देर के बाद फिर मैं इसमें चम्मच हिलाऊँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि ये किस तरीके से बन के होता है रेडी। आपको बहुत ज़्यादा इस पर काम नहीं करना, सिंपल सा तरीका है और सिंपल से बनाने और बहुत जल्दी और बहुत डिलीशियस बन के ये तैयार होता है। तो यहाँ पर देखें, इस तरह से जब ये होने लग जाए फिर आपने इसको कवर उतार देना है और इसे आपने इसी तरह ओपन रख के पकाना है। तो ये रेसिपी अगर आपको पसंद आए तो रेसिपी को लाइक कर दें, कमेंट्स कर दें, शेयर कर दें। इसके ऊपर थोड़ा सा डालें आप हरा धनिया और हरी मिर्चें और ये आपका सालन बनके रेडी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।